ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो है वो आप सभी अच्छे होंगे। और आज का हमारा ट्रैक है मंदिर का, तो अभी हम करियांदी माता मंदिर जाएंगे जो अपने गांव के पास है। तो पैदल जाने हमें, तो मैं अभी घर से निकल चुका हूँ। तो आज का दिन कैसा रहता है, और आज मौसम भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल साफ है। मुझे पहुंचना है उस पहाड़ पे, यहाँ पे है मंदिर। रास्ता चले हुए, और पहाड़ों पे आपको ऐसे पानी के सोर्सेज मिल जाएंगे पीने के लिए, तो अच्छा लगता है। पहाड़ों पे नेचुरल वाटर होता है, तो थोड़ी देर अभी पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। ये बने हुआ पानी का टैंक पहाड़ पे, कम से कम 40-50 हज़ार लीटर का होगा। जिसको यहाँ की जो आसपास के लोग हैं शायद उनको पता होगा, तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कितने हज़ार लीटर का है। अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे जो लोग अभी काम कर रहे थे, तो अभी मैंने उनसे कंफर्म किया कि कितने हज़ार लीटर का है, तो उन्होंने बताया 135,000 लीटर का है ये टैंक। और यहाँ से मतलब काफ़ी गांव की सप्लाई देगा पानी की, तो मतलब ये इनकी आगे की प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है कि आगे को जब पानी की समस्या होगी या कोई दिक्कत होगी तो नीचे डैम से पानी आएगा बाय लिफ्ट, और यहाँ से सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। और भी टैंक बने हुए हैं इधर ऐसे ही पहाड़ पे, कि नीचे के गांव जितने में हैं वो सारे कवर हो सके। अभी एक घंटा हो गया मुझे चले हुए, और अभी 12 बज चुके हैं, और काफ़ी अभी लंबा सफ़र है। अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो सामने पहाड़ देख सकते हैं, इस पहाड़ से जाऊंगा मैं अभी, उससे एक रास्ता आगे है। और अभी मुझे एक बंदे ने बताया कि आप इस पहाड़ से चढ़ोगे सीधा ऊपर, तो आगे फिर बिल्कुल रास्ता क्लियर होगा। तो अभी इस रास्ते जाएंगे, देखेंगे कैसा है ये रास्ता, ऊपर जाके व्यू भी देखेंगे किस तरह का दिखता है, नहीं तो मुझे आगे से जाना पड़ेगा। तो जहाँ से पहले जा चुके हैं काफ़ी बार, इस रास्ते में पहली बार जाऊँगा, तो चलते हैं और देखते हैं कैसा है रास्ता। अब जाऊंगा मैं इस रास्ते से, नए रास्ते से, यहाँ से नहीं जाऊंगा। अभी ये पहाड़ चढ़ूंगा मैं ऊपर, देखिए रास्ता सही निकलता है या नहीं। अभी मैं काफी ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, पहाड़ ही पहाड़, कितनी ऊंचाई पर मैं आ गया हूँ अभी। और अभी जो आपको नीचे से मैंने दिखाया था वो अभी यही बचा है ऊपर थोड़ा सा, इसको अभी कंप्लीट करेंगे और इसके ऊपर जाके देखेंगे कि किस तरीके का व्यू आता है, कैसा नज़ारा होता है देखने का। तो अभी धूप भी लगी है ऊपर से, और हल्के शीतल भी चली हुई है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, और पसीना भी पड़ गया वैसे, पर मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, ना ही थक लग रही है। चलो चलते हैं अभी यहाँ से। ये नीचे जंगल है घना, काफ़ी पेड़ लगे हैं इधर, और रास्ता इधर से सीधा ऊपर की तरफ। काफी दूर थी पर मजा आया,
देख सकते हैं आप नीचे अब कितने दूर से इस पहाड़ी पे आया हूँ, और इस पहाड़ी पे अब चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, सामने पहाड़, आसपास पहाड़, काफ़ी ऊंचाई पे पहुँच गए हैं अब। पहाड़ टू पहाड़ आगे बढ़ूंगा, तो अभी रास्ता बिल्कुल प्लेन है, नीचे ऊपर ऐसे पहाड़ हैं, और जहाँ पे मंदिर है वहाँ तक ऐसे ही है, थोड़ी सी फिर है चढ़ाई, उसको चढ़ेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और नीचे से जो रास्ता था वो सारा कट करके सीधे मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। आप तालाब देख सकते हैं, ये जब बारिश होती है तो ये भर जाते हैं और जानवर वगैरह यहीं से पानी पीते हैं। दो एक और आगे तीन तालाब हैं ये, और मंदिर वो सामने है, जय माता की, वहाँ पहुँचना मुझे। पर आप सीधा ये पहाड़ से पहाड़ जाएंगे सीधा वहाँ तक। अभी मंदिर के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं, और इन्होंने यहाँ पे अभी रोड वगैरह भी बना दिया है, तो मंदिर के नीचे तक रोड इन्होंने पहुँचा दिया है यहाँ तक, और मंदिर ये सामने आप देख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि रोड बनना सही था यहाँ तक या नहीं। तो चलो चलते हैं, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए, नज़दीक पहुँच रहे हैं, उतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो काफ़ी आनंद आ रहा है अभी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव। और ये आप देख सकते हैं, ये रहा मंदिर, और सामने की लोकेशन आप देख सकते हैं, इधर से सामने का व्यू। अभी मैं मंदिर पहुंच चुका हूं, और ये है सबसे पुराना मंदिर जहां पे पहले था, इन्होंने अभी इसको नया बनाया है, पर ये अभी कुछ ही टाइम हुआ इसको, जब वो पुराना मंदिर था तो इन्होंने नया दूसरी तरफ बनाया है, तो फिर वहां पे मतलब स्थापित कर दी थी मूर्ति, और उसके बाद इन्होंने जहां पे स्थापना मतलब पुरानी थी, सबसे पुरानी थी, वहां पे इन्होंने अभी नया मंदिर बनाया हुआ है, और कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। पर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये सबसे पहले यही जगह थी इस मंदिर की, इसकी जो स्थापना थी यहीं थी, तो पता नहीं अब क्या करते हैं लोग, मानते हैं नहीं मानते हैं, पर जहाँ पे मंदिर पुराना था वहीं पे होना चाहिए। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है आगे, और बहुत बढ़िया इन्होंने ये मंदिर बनाया हुआ है, और दूसरा भी मैं आपको दिखाऊंगा जो ये है वो मंदिर जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे बनाया था, पुरानी जगह से लेकर यहाँ पे मूर्ति रखी थी ये, और अब लोग वो उसी पुरानी जगह पे स्थापित करना चाहते हैं उस मूर्ति को, तो अभी ये मान रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये पुराना मंदिर था इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ, और जो सबसे पुराना थी मूर्ति थी वो वहीं थी, उन्होंने वहाँ पर ये नया बनाया हुआ है। तो ये सामने धर्मशाला है, और नीचे का आप व्यू देख सकते हैं, ये सारा नीचे भली मंदिर भी दिखता है इधर से, और जितना भी इलाका है उस तरफ से ये सारा दिखता है, बहुत ही बेहतरीन व्यू है यहाँ से। और नीचे ये माँ भद्रकाली झील है, और ये वो नया मंदिर बनाया हुआ जहाँ पे सबसे पहले मूर्ति स्थापित हुई थी यहाँ पे। तो अभी हमने लंगर वगैरह खा लिया है, और यहाँ पे हर दिन लंगर होते हैं क्योंकि अभी नवरात्रों का टाइम है। अभी दर्शन वगैरह कर लिए हैं और लंगर वगैरह भी खा लिया है, तो अभी है वापसी की तैयारी आने की। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं, किस तरीके का व्यू है इधर का। अभी मैं आ गया हूँ वापस, और रास्ते में पहुँच गया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब है अभी क्योंकि यहाँ पे रोड वगैरह बनाया है इन्होंने, थोड़ा पत्थर वगैरह गिर रहे हैं ऊपर से। तो अभी अपना सफ़र काफ़ी है अभी, तो चलते हैं, ऊपर से धूप भी लगी है और हल्की हल्की हवा भी चली हुई है, ज़्यादा ना ही थकान लगी और ना ही गर्मी है, चलो चलते हैं अब।
काफ़ी अच्छा रहा सफ़र। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।